1205 ईस्वी से लेकर 1227 चंगेज खां की मौत तक चंगेज खां के लीडरशिप में मंगोलों ने एशिया के बड़े बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर लिया था। चंगेज खान से पहले मंगोल कबीलों में बटा हुआ था। जब चंगेज खान ने सारे कबीलों को इकट्ठा किया तो उसके बाद उसने मंगोल को एक राष्ट्र में बदल दिया। अपनी जीत के दौरान चंगेज खान ने अनगिनत लोगों को मार डाला। अपने आखिरी दिनों में चंगेज खान ने क्रूरता को छोड़ दिया। वो इतिहास में एक क्रूर शासक रहा जिसने पूर्व और पश्चिम में एक दूसरे के बीच संपर्क बनाया। तो चलिए जानते हैं चंगेज खां के बारे में 10 ऐसी बातें जिसके बारे में आप में से कितने लोग जानते भी होंगे और नहीं भी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर एक, चंगेज खां का असली नाम तेमुजिन था, जिसका मतलब मंगोल में लोहा होता है। चंगेज, जो कि एक सम्मान भरा नाम था जिसे चंगेज खां को उसके महान सफलताओं पर दिया गया था। नंबर दो, चंगेज खां का बचपन काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, उसके परिवार को कबीले से निकाल दिया गया। चंगेज खां को अपने परिवार के खाने पीने के लिए शिकार करना पड़ता था। नंबर तीन, जब चंगेज खां सिर्फ एक आम लड़का हुआ करता था तब उसने अपने सौतेले भाई को मार डाला था। इस तरह का हिंसा उस समय में खाना बदोशों की ज़िंदगी का एक हिस्सा हुआ करता था। यह अपनी छोटी सी उम्र से ही काफ़ी क्रूर था। हालांकि यह हमेशा क्रूर रहा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। चंगेज खां ने क्रूरता को इसलिए चुना था ताकि उसका मकसद सेफ रहे, अपनी दहशत के दौरान अपना रास्ता निकालने के लिए और दुश्मन का मनोबल गिराने के लिए उसने आतंक का इस्तेमाल किया। नंबर चार, सारे मंगोलों की तरह ये भी तीर चलाने और घुड़सवारी करने में माहिर था। इसने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी घोड़े पर ही बिताया था। नंबर पाँच, चंगेज खान ने मंगोल के लिए एक नए कानून की शुरुआत की थी जो कि उनके परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित थी। उसने मंगोल भाषा के लिए अल्फ़ाबेट को बनाया जिसे उसने लिखने की इजाज़त भी दी। नंबर छः, यह बात कोई नहीं जानता कि चंगेज खान ने अपने द्वारा किए गए हमलों और छापों के दौरान कितने लोगों को मारा था। पर्शिया और चीन जैसे देशों की जनसंख्या सदियों तक पूरी नहीं हो सकी। कुछ इतिहासकारों ने चीनी सल्तनतों के आधार पर अनुमान लगाया कि उन सल्तनतों पर चंगेज के हमलों में 4 करोड़ लोगों की जाने गई थी। यह बात तय है कि चंगेज और उसकी मंगोल सेना ने युद्ध को क्रूरता के एक नए स्तर पर ला दिया था। नंबर सात, यूं तो चंगेज खां की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा रहस्यमयी रही है, और अगर उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ रहस्यमयी है तो वो ये है कि उसकी मौत कैसे हुई और उसको कहां दफनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खां की मौत 1227 में घोड़े से गिरने से हुई थी, या फिर तीर के घाव से, चोट लगने से, या मलेरिया से हुई थी। हालांकि चंगेज खां के मरने के बाद मंगोलों ने उसको एक खुफिया जगह पर दफनाया था। जिसने चंगेज को एक खुफिया जगह पर दफनाया था उन सबको कत्ल कर दिया गया ताकि चंगेज की कब्र की जगह हमेशा खुफिया रहे। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि चंगेज को मंगोलिया के पहाड़ के करीब दफनाया गया था। नंबर आठ, 1227 ईस्वी में जब चंगेज की मौत हुई तब तक उसने एशिया के एक तिहाई हिस्सों तक अपना काबू पा लिया था। उसने अपने सल्तनत को प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला दिया था। चंगेज खां की मंगोल सल्तनत सिकंदर महान की सल्तनत से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था। नंबर 9, अपने बड़े सल्तनत को संभालने के लिए उसने पोस्टल सर्विस का इजाद किया था। वो अपने पोस्ट को पहुंचाने के लिए डिस्पैच राइडर्स का इस्तेमाल किया करता था। डिस्पैच राइडर्स चंगेज खां की पोस्ट को पूरे मंगोल सल्तनत तक पहुंचाया करते थे। नंबर 10, कहा जाता है कि चंगेज खान ने एक समय के लिए पूरा प्लान कर लिया था चीन की आबादी को पूरी तरीके से ख़त्म करने का। वो चाहता था कि उसके करीब जितनी भी क्षेत्र की ज़मीन है उनका इस्तेमाल वो अपने घोड़े के लिए चारागाह के रूप में इस्तेमाल करे। लेकिन चंगेज़ को ऐसा करने के लिए उसके एक सलाहकार ने मना कर दिया और उसने चंगेज़ खां को इस बात पर राजी किया कि वो चीनी लोगों से टैक्स वसूलेंगे और मंगोलों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। यूँ तो चंगेज़ खां के बारे में बहुत से फैक्ट्स हैं और वो फैक्ट्स कितने झूठ हैं और कितने सच हैं जिसे स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है। उसकी बहुत सी कहानियाँ झूठी भी हैं और सच भी हैं जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता। और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।